तहसील टांडा के अंतर्गत हसवर ग्राम पंचायत के जैनुद्दीनपुर गांव में दो दिवसीय कबूतर उड़ान टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद शाहिद ने प्रथम, मोहम्मद नसीम ने दूसरा तथा शंभुनाथ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहम्मद असलम खान नेशनल इंटर कॉलेज लेक्चरर द्वारा विजेता टीम को नगद पुरस्कार दिया गया और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। पेश है बीबी न्यूज दिवासारी की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम गर्मी के दिनों में ही होते रहते हैं और ये प्रोग्राम ग्यारह में नहीं होता है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हजार यहाँ पे कमेटी के पब्लू हजार, पब्लू साहब और विकास चौरसिया जी की तशरीफ आ रही है। अभी अफसर मास्टर साहब की भी कमी का हिसाब हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि चरण का मुझ पर तो कुछ इम्तिहान नहीं, बेमान के पुण्य पुष्प को त्यागे अध्याय नहीं, और चेहरों की एक भीड़ है नजरों के सामने, लेकिन तुम्हारे जैसा अभी तक किया नहीं। बहुत अच्छे अगर बहुत ऐसा माहौल और खूबसूरत माहौल के साथ आज छोटे बच्चे यहाँ पर तकरीबन हर वर्ग की नुमाइंदगी है। एक तरफ जहाँ बुजुर्ग हजार हैं, नौजवान लोग हैं और बच्चे हैं, सभी की रहनुमाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ेगा और ये जिला स्तर से होते होते ये सूबाई सतह का भी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अगर आप और आप जैसे बुजुर्ग लोगों का साया क्रांति के हजार होंगे और इसीलिए अगर आप हार रहे हैं तो उससे हार और जीत दोनों होगी। तो इसलिए अगर रहे अगर आपको राह में अगर रुकावट आ रही है तो आपको अपनी कमी को पहचानना होगा। जहाँ रहे तरफ में मुश्किल हमला करती है, वहीं से कामयाबी की नहीं राह निकलती है, वहीं से कामयाबी की नहीं राह निकलती है। जिन्होंने गिर के उठना उनके चल देना नहीं सीखा वो कौमी हाथ पर मिलकर कभी अफसोस नहीं, कभी अफसोस नहीं, हर गलती रह जाती है। मैं तमाम कबूतर के मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप हजार की नजर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत की दीपक जला कर बोलेंगे, मोहब्बत की दीपक जला कर बोलेंगे, जरा दिल की दुनिया सजा कर बोलेंगे। तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा इनसे नजरें मिलाकर बोलेंगे, जरा इनसे नजरें मिलाकर बोलेंगे।